हाय एवरीवन। सो कल हमने डिस्कस किया था पोल्यूशन आपके साथ। हमने कल डिस्कस किया था पोल्यूटेंट्स, गैसेस, इफेक्ट्स एंड उनकी डिजीजेस जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा आती हैं। एंड आज हम वही डिस्कस करेंगे कि उनसे एमसीक्यूज क्या क्या निकलते हैं, कि यूजीसी एनटी नेट एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पोल्यूशन से ज़रूर आते हैं। उनके डिजीज पूछ लेंगे, पोल्यूटेंट्स पूछ लेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली इन 2 स्लॉट्स, दैट इज 11 बजे एंड 4 बजे। सो कीप ऑन ज्वाइनिंग, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट स्टार्ट दी एमसीक्यूज। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज, जो इंडिया की मेगा सिटीज हैं उनमें जो डोमिनेंट सोर्स है एयर पोल्यूशन का वो क्या है। सो कल हमने एयर पोल्यूशन की पोल्यूटेंट डिजीज सब पढ़े थे, कल हमने एयर पोल्यूशन को डिटेल में पूरा पढ़ा था, आज क्वेश्चन वहीं से आया है। सो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है नेट के एग्जाम में वो पोल्यूशन से बहुत आते हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया की जो मेगा सिटीज में डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है। सो द ऑप्शंस आर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, थर्मल पावर, म्युनिसिपल वेस्ट एंड कमर्शियल सेक्टर। तो ये चारों हमें ऑप्शंस दिए हैं एंड क्वेश्चंस हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर। सो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो कि कल हमने पढ़ा था, एयर पोल्यूशन का जो मेजर कॉज है दैट इज व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, जो कि किसके अंडर आएगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंडर। एयर पोल्यूशन की अगर बात करें मेगा सिटीज में, मेगा सिटीज में ज़्यादा व्हीकल्स होंगे, ज़्यादा कार्स होंगी, ज़्यादा बसेज होंगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, जो कि कॉज करेंगी एयर पोल्यूशन। तो फर्स्ट आंसर विल बी एयर पोल्यूशन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिससे कौन सा निकलता है पोल्यूटेंट, CO निकलता है सबसे ज़्यादा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, मेन पोल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज। अब यहाँ पूछा गया है जो इंडियन कोस्टल वाटर है उसमें मेन पोल्यूटेंट क्या है। सो यहाँ ऑप्शन हैं ऑयल स्पिल, म्यूनसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड एरोसोल्स। अगर हम इंडियन कोस्टल वाटर की बात करें, सो कोस्टल वाटर को जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है दैट इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। जो इंडस्ट्रीज का जितना भी वेस्ट है, कोई इंडस्ट्री है उसका जितना भी वेस्ट जा रहा है वो सारा कहाँ जाता है, पानी में जाता है, जो कि कहाँ का है, इंडियन कोस्टल वाटर का। तो सारा वेस्ट यहाँ जाएगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट कंसीडर्ड अ पोल्यूटेंट। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सारे पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बट अब यहाँ पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला सबसे कम या फिर नहीं समझा जाता है पोल्यूटेंट। सो हमेशा याद रखिए, अपने ऑप्शन में हमेशा वही चूज करिए जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहा है। कई बार ऑप्शन में ऐसा भी आ जाता है कि चारों चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, बट उनमें से जो लीस्ट एप्लीकेबल होगी आपको वही मार्क करनी है अगर क्वेश्चन नॉट का पूछा जाता है। तो यहां पूछा गया है SO2, N2, हाइड्रोकार्बन एंड CO2, इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट नहीं माना जाता, तो आंसर क्या होगा, CO2, बिकॉज ये मोस्टली सबसे लीस्ट में आता है, इससे इतना ज्यादा हार्म नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेथ व्हाइल स्लीपिंग इन क्लोज रूम विद बर्निंग कोल फर्नेस इज ड्यू टू। अब सोते हुए अगर डेथ हो जाती है क्लोज रूम में वाइल बर्निंग कोल, जहाँ पर बर्निंग कोल फर्नेस चल रहा हो, तो उसका रीज़न क्या होगा, वो कौन सी गैस होगी जिसकी वजह से ये होगा, CO2, CO, CCl4 या फिर SO2। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। सो इसका आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज ये जो गैस है, ये अगर ये बर्निंग कोल फर्नेस से बहुत ज़्यादा आती है, इट रिलीजेस फ्रॉम कोल बर्निंग। ये हमेशा याद रखना है, कोल बर्निंग से जो पोल्यूटेंट, जो गैस निकलती है दैट इज CO, एंड CO से क्या होता है, डेथ वाइल स्लीपिंग। अगर क्लोज रूम में आप सो रहे हैं, वहाँ पर अगर कोल बर्निंग हो रहा है, तो उससे CO निकलेगी एंड उससे क्या होता है, उससे डेथ हो जाती है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स अमंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस। कौन सा जो पोल्यूटेंट है वो इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस। ये भी कल हमने पढ़ा था हमारी वीडियो में, हमने एक पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ा था कि दिस पोल्यूटेंट बेसिकली इट अफेक्ट्स अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमंस। सो यहाँ क्या होगा आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ द वन विच अफेक्ट्स द
ह्यूमंस देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्टली. सो ये क्वेश्चन से पता चलता है कि हमारे एग्जाम के लिए, पीपल एनवायरमेंट के लिए पोल्यूशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. पोल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, पोल्यूटेंट्स प्लस डिजीजेस प्लस उनके इफेक्ट्स पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पोल्यूशन दैट यू हैव टू नो. इससे ना आगे ना पीछे आपको देखना है, आपको सिर्फ यही पढ़ के जाना है फॉर योर UGC NTA नेट एग्जाम, बिकॉज सारे क्वेश्चन मोस्टली पोल्यूशन के यहीं से आते हैं, पोल्यूटेंट्स और डिजीज. सो डू वॉच दीज टू वीडियोज वेरी केयरफुली वेर आई हैव एक्सप्लेन पोल्यूशन एंड इन दिस वीडियो भी आई हैव एक्सप्लेन MCQs. तो ये दोनों वीडियोज आपके लिए बहुत जरूरी है. एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. एंड टू नो अबाउट द कोर्सेज यू कैन ऑलवेज क्लिक द लिंक जो कि आपकी स्क्रीन में राइट साइड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.